मेरे भाई इस वीडियो में ना आपको बता दिया कि यूरोपियन संघ के क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या फीचर्स थे, कितने कंट्री थे, किस तरीके से इंपॉर्टेंट था, कैसे बना और किस तरीके से बना, और मेरे भाई कितने देश थे यहाँ पे। अब 27 देश क्यों बचा, 28 देश हट गया, ब्रिटेन क्यों हटा, क्या रीजन था, कब आया यूरोपियन संघ की क्या विशेषता थी, और ये गोल्ड स्टार का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको और डेनमार्क ने जानते हुए यूरोपियन यूनियन में जो यूरो मुद्रा था, यूरो मुद्रा को एक्सेप्ट किया था, क्या सारी कंट्री नहीं की थी, सिर्फ 19 की थी, 8 लोगों ने नहीं किया था, या ब्रिटेन के हटने के बाद क्या पड़ा, ये हो गया। उसके बाद में यहां पे क्या क्या ऐसा था, और यूरोपियन यूनियन का ऐसा क्यों मानना है कि भैया अब 27 ने हम 35 देश हो जाएंगे 2030 तक, ओपन चैलेंज कर दिया है, जिससे कि अमेरिका की हालत तक खराब हो गई है, और ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें बताया गया, मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन बता दिया। अगर आप कंप्लीट वीडियो को देख लोगे तो आपको भाई यहां से पूरे पूरे नंबर हो जाएंगे, एक नंबर भी आपका इधर उधर नहीं जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा, पूरे पेपर में लिख के आना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच। जय हिंद। आज हम क्लास 12th के जो कि आपको होता है पॉलिटिकल साइंस के, मतलब कि आपके राजनीतिक विज्ञान के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर जो आपके यूरोपियन संघ के, मतलब यूरोपियन यूनियन के जो टॉपिक है, उसके सारे सारी डिटेल आपको बता दूंगा, जो कि आपके एचटीस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपको इस चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से आपके पूरे पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, और ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जो आप कभी भूलोगे नहीं, और कंप्लीटली जाके एग्जाम में छाप के आओगे, चाहे आपका मिड टर्म हो जाएगा, प्री बोर्ड होगा, फाइनल होगा, किसी भी चीज में बस दिल थाम के देख लो, आपका पूरा पेपर समझ जाएगा। इससे सत्ता के समकालीन केंद्र, जो कि आपको पहले पता है कि यूरोपीय संघ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद आपके पास एशिया राष्ट्रों का आसियान सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आर्थिक शक्तियों के रूप में चीन का उदय और अन्य संवादी देशों के साथ संबंध, जैसे कि आपका संबंध भारत और चाइना का संबंध पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा, जो कि यहां तक हमेशा पेपर में देखा गया है कि ये मेरे भाई आपके ईयू का, यूरोपियन यूनियन का हमेशा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग मुझे शुरुआत में कमेंट करके बता दो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है। वैसे तो मैं सारा सारी चीज बताऊंगा, अभी नाउ प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री है। तो चलो भाई आप लोग के सामने फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का टॉपिक है कि भाई यूरोपियन संघ है क्या। आप सबको पता होना चाहिए यूरोपियन संघ आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये निकल के आया था, जब यूरोप की पूरी पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। उस समय में क्या हुआ, एक ग्रुप बना और जिसका नाम यूई रखा गया, यूरोपियन यूनियन। इसमें बहुत सारी कंट्री धीरे धीरे मिलते गए, समझ रहे हो बात को यहां पे। तो इसी को कहते हैं हम यहां पे यूरोपीय संघ, जो आपके सामने यहां पे दिख रहा है। यूरोपीय संघ क्या है, आप जानते हो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका जो है एक सुपर पावर दिखना चाहता है और चाहता था शांति, अभी सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ेंगे जब पता चलेगा। तो अमेरिका ने क्या करा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी चीजें खत्म हो गई, तो अमेरिका ने सपोर्ट किया भाई यूरोप के अंदर अर्थव्यवस्था एक पुनर्गठन होना चाहिए, और इसको जो करने की कोशिश की, इसका क्या नाम दिया गया, एक मार्शल प्लान, मतलब मार्शल योजना के थ्रू, समझे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपियन आर्थिक, मतलब कि इसके कहते हैं ईईसी, क्या कहते हैं इसे, ईईसी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ईई मत समझ जाना, ईईसी है, क्या है ये, ईईसी, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, ध्यान सुनना, 1948 में, 1948 में मार्शल लॉ के थ्रू यूरोप के अंदर में एक संगठन बनाया जाता है ईईसी। इसमें बहुत सारे संगठन बने थे, ये संगठन जाके आपका एक यूरोपियन संघ बन गया था। अभी आगे से देखना कैसा है, समझ आ गया, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई, समझ आ गया, यहां पे आर्थिक मदद की गई, क्योंकि दो तरह के यूरोप थे, अभी मैप पे आगे सारा चीज समझाऊंगा। 1949 के गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित की, मतलब क्या था, अगला एक कमेटी बनाने की कोशिश की, यूरोपीय परिषद मतलब काउंसिल, क्या है, काउंसिल। इसके अंदर में बहुत सारा चीज था, कमीशन था, काउंसिल था, स्टेट था, बहुत सारी चीजें थी। अब आगे देखो, यहां पे 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया, अब यहां पे यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी का क्या किया गया, यहां पे संगठन किया गया, और यहां पे 7 फरवरी 1992 में मस्टी संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का उदय हुआ। तो अब एक पॉइंट याद रखना, अगर कभी भी बोलेगा भाई यूरोपीय संघ का कब गठन हुआ, तो 1991 से 1992 के बीच में, लेकिन फाइनली कंप्लीट डेट होगा आपके पास 7 फरवरी 1992। और अगर आप बोले यूरोपियन संघ का वैसे डे कब मना जाता है, ये आता है आपका 9 मई, कब आता है भाई, ऑफिशियल वेबसाइट पे 9 मई दिया गया है, ये पॉइंट याद रखना। और वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या कितनी है, 27 सदस्य की संख्या है, जो आपके सामने यहां पे
दिख रहा है, समझे भाई। ये आपके यूरोपियन यूनियन के क्या है, ये यूरोपियन यूनियन के फ्लैग है जो आप यहाँ पे सामने देख सकते हो। और अभी जो आपके सामने कितने देश है, अभी 27 है, क्योंकि पहले कितना था, ये 28 था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आगे तो मैं डिटेल बताऊंगा। ओवर एक जो ऐसा कौन सा देश है जो हटने के बाद 27 देश बचे हैं मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज है, यूरोपियन संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे, मतलब यूरोपियन संघ क्यों बना, कैसे बना, किस लिए था। तो इनका एक मामला, मतलब कि मोटिव था कि एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति, ये चाहते थे यूरोप के अंदर में हम टैक्स फ्री ट्रेड करें और हम सबको सुरक्षित रखा जाए। आंतरिक मामलों तथा न्याय के जुड़े मामलों पर सहयोग, आंतरिक हम लोगों क्या हो, एक जुट बने और न्याय भी एक साथ रहे। एक समान मुद्रा का चलन, जो आपको बताया कि लास्ट में क्या मुद्रा बन गया था, इनका यूरो बना था। वीजा मुक्त आगमन, ये क्या था भाई, आपका वीजा मुक्त आगमन था, यूरोपीय संघ के गठन के मेन उद्देश्य थे, जो आप जानते हो कि अमेरिका को भी बीट कर दिया, समझे। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, यूरोपियन संघ की विशेषता क्या थी, आपको एक पॉइंट होना चाहिए कि यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया था। मतलब इन्होंने सबसे पहले तो इकोनॉमिकल वीक थे, इकोनॉमिकल वीक हुए, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी हुई, तो उनके बाद क्या होने लगे, ये अपने पॉलिटिकल मैटर को बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया। फिर यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा, समझे भाई। इसका अपना झंडा, अपना गान, स्थापना दिवस, अपनी एक मुद्रा है, जो आपको पता है कि ये 9 मई को इनको अनाउंसमेंट किया गया था। कह रहा अन्य देशों के संबंध के मामले में इनके काफी हद तक मतलब कि बहुत अच्छी विदेशी और सुरक्षा नीति बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहां के लोगों के पुनः समग्रता, एकता और मेलता का प्रतीक दिखाता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये जो है यहां पे इसके फ्लैग पे, जैसे मैं पीछे की बात करता हूं, जैसे ये फ्लैग है, ये फ्लैग येलो कलर के 12 के 12 है, जो आपको पता है जो गोल्ड के बने हैं, जो इस राष्ट्र के क्या करता है यहां पे, ये एकता और यहां मेल मिलाप को दिखाता है। 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन यह क्या हुआ, कंप्लीटली नाकाम रहा, संविधान नहीं बन पाया। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, यूरोपियन यूनियन किस समय, किस साल, मतलब कि एक कंप्लीट संविधान बनाने की कोशिश की, तो 2003। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना कि ये जो आपके सामने यहां पे दिख रहा है कि 19 ऑफ दिस कंट्री यूज्ड यूरो, मतलब कि अभी जो, मतलब कि जो राष्ट्र है, जैसे मान लो अभी 27 ऐसे कंट्री है, पहले कितने थे यहां पे, 28 थे, कौन हट गया यहां पे, यहां पे ब्रिटेन जो था, यहां ब्रिटेन हट गया, समझे भाई। यहां पे लिख देता हूं, ये जो था आपका ब्रिटेन हट गया, तो यहां पे कितने देश बचे, 27, उनमें से 19 देश ऐसे थे जो यूरो को जो है अपना ऑफिशियल करेंसी मानते थे। 8 कंट्री ऐसे हैं, जैसे बल्गेरिया हो गया, क्रोशिया हो गया, यहां पर डेनमार्क, हंगरी, ये सारे ऐसे देश हैं जो इनको एक्सेप्ट नहीं करते, डोंट यूज दिस। तो कभी कभी आपको ये भी लिखने के लिए आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन में जो यूरो उनकी करेंसी थी, क्या सारे देश मानते थे, नहीं भाई, 19 देश ही मानते थे, और यहां पर जितने 8 देश थे ये नहीं मानते हैं, समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने ये देख लो, ये क्या है आपके यूरो है, आपको मैं पीछे भी बता चुका हूं कि ये कितने देश मानते, सिर्फ और सिर्फ 19 देश मानते हैं, और इसके साथ साथ में 8 देश है वो इनको नहीं मानते हैं ऑफिशियल करेंसी, समझे भाई। ये आपके इनके 27 ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपको था कि ब्रेक्जिट बोला गया था, क्योंकि आपको था कि 2020 में कंप्लीटली 31 जनवरी क्या था यहां पे, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो है बाहर आ गया। और याद रखना, ये पॉइंट आपको नोट करना है, यूरोपीय संघ को ब्रिटेन के बाहर निकलने से बहुत बड़ा झटका पड़ा। इनका रोल देखो क्या था, इनका जो था पूरे पॉपुलेशन जो था, इसके 13% इन्वॉल्व थे इनके अंदर में, जीडीपी 15% इनका कंट्रीब्यूशन था, और मतलब कि इसके अंदर में इन्वॉल्व था, कंट्रीब्यूशन जो था ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन यूरोपियन यूनियन को भाई अकेला 12% था, कितना 12%। अब ये सोचो उससे निकलने के बाद कितना बड़ा लॉस हुआ होगा यूरोपियन यूनियन को। वैसे भी उनके पास फ्रांस है अभी, क्योंकि फ्रांस आपको पता है कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो आपके सोवियत संघ, आई मीन की जो सोवियत संघ की बात करते हैं हम, या यूएनओ को बात करते हैं, उसमें वो क्या है, परमानेंट मेंबर है, समझे भाई। यूरो जो यू है, यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, आपको पता चल गया यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है। ब्रिटेन जो है 31 जनवरी 2020 को यूई छोड़ दिया, और यूई का लक्ष्य 2030 तक 35 अधिक सदस्य देश बनाना है। अब इनका एक अलग सा मोटिव आ गया, आपको एग्जाम में लिख आना है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन के बारे हमने पढ़ा, तो यूरोपियन यूनियन के बारे पढ़े क्या पढ़ा, कि भैया अभी उसके 27 देश
से पहले 28 से ब्रिटेन बाहर हो गया। लेकिन नेक्स्ट मोटिव क्या है यूरोपियन यूनियन का, नेक्स्ट मोटिव है यूरोपियन यूनियन का 2030 तक इसके अंदर में कंप्लीटली 35 इसको कंट्री को जोड़ दिया जाए। समझ रहे हो बात को? आगे अगला नेक्स्ट पॉइंट समझो, यहाँ पे यूरोपीय संघ के सदस्य कौन कौन से, यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य थे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन और आपका स्पेन। समझे भाई, ये पॉइंट हो गया। ये मैं आपको बता दिया कि ये 2016 में ही ब्रिटेन को निकलने की वो हुई थी, क्योंकि इनके वहाँ पे जो इनका संविधान था 59 पॉइंट लोगों ने ये बोला था कि हमें ब्रिटेन को निकल जाना चाहिए वहाँ से, इसलिए यहाँ पे 2020 में ब्रिटेन क्या करता कंप्लीटली निकल जाता है, इसी का नाम ब्रेग्जिट बोला जाता है। यूरोपीय संघ के नए सदस्य एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य और ये रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, ये बल्गेरिया, साइप्रस, स्लोवेनिया और ये आपके हैं। और यूरोपीय संघ सदस्य के वर्तमान संख्या कितनी है, 27 है। और आपको पता ही चल गया कि 2030 तक कितने वाले, कमेंट करके बताना भाई। ये यूरोपीय संघ का एक मेन पॉइंट है, ये आपके सामने दिख रहा है, जिसमें आपके सामने बहुत सारी कंट्री, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया हो गया, यहाँ पे साइप्रस हो गया, स्लोवेनिया, हंगरी हो गया, रोमान हो गया, बल्गेरिया हो गया, ग्रीस, क्रोशिया, इटली, ये सारे के सारे हो गए। और यहाँ पे ये जो फ्रांस है, अभी इनका यूरोपियन यूनियन का सबसे तगड़ा व्यक्ति कौन है, मतलब कह सकते हो देश कौन है, ये आपके फ्रांस है। क्योंकि ये आप जानते हो कि जो आपका मतलब कहते हैं यूएनओ, यूनेस को हिंदी में यूनेस, यूनाइटेड नेशन का ये जो है ना आपका यूएनओ, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका क्या है, परमानेंट मेंबर है। इसलिए जो यू है, जो आपका यूरोपियन संघ है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। समझे भाई? उसके अलावा यूरोपियन संघ को ताकतवर बनने वाले कारण क्या क्या है, कि सबसे यूरोपियन संघ के आर्थिक प्रभाव, सबसे देखो यूरोपियन संघ इतना ताकतवर क्यों बना, क्योंकि दो ही चीज से लोग ताकतवर बनता है, एक तो पैसे से, एक पावर से। समझ लो बात को, जैसे आपने सुना होगा पैसा ही सबसे बड़ा पावर होता है धरती पे, घर से लेकर हॉस्पिटल तक पैसा ही पैसा चलता है, शमशान घाट में भी पैसा चलता है। उसी तरह के यूरोपियन यूनियन ने इस चीज को माइंड में ठान लिया, भैया सबसे तगड़ा हमें बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमें आर्थिक स्थिति मजबूत करनी ही पड़ेगी। जिसमें कि आपको पता है 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर, इसका सकल घरेलू उत्पादन जो 17,000 अरब डॉलर से था, जो कि अमेरिका के ही लगभग है, और इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकन डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन चुका था। जैसे अब जानते हो ये यूरो है, ये जो था यहाँ पे ये डॉलर, ये दोनों आपस में लड़ने कटने के लिए तैयार थे। समझे दोस्त? विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा थी। अब समझ लो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा आपका यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट हो चुका था इनका। अब देखो इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप पे, एशिया पे, अफ्रीका पे भी पड़ा, और ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। आप जानते हो जिसके पास ज्यादा पैसा को वर्ल्ड ट्रेड, उसी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, उसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। यही चीज अमेरिका को अच्छी लगी, और बहुत सारी चीजें हैं, अमेरिका ऐसा ऐसा इंपैक्ट डालता गया कि इसके वहां पे जो कंट्री जुड़ना भी चाहते तो उसको भी इन्होंने बायकॉट करवा दिया। इसीलिए भाई यूरोपियन यूनियन के जो भी हेड होते हैं, उन्होंने एक टारगेट दिया 2030 तक हम 35 कंट्री को जोड़ के रखेंगे। दैट मीन कि अभी तो 27 है, ब्रिटेन निकल गया, पहले 28 था, अब वो कितना करना चाहते हैं, 35 करना चाहते हैं। जो आप यहां पे देख सकते हो कैसे पावरफुल है, कितने इकोनॉमिक पावरफुल होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर कितना, ब्रिटेन इसमें बहुत ताकतवर था, जर्मनी ताकतवर था यूरोपियन यूनियन के लिए, ये सारी चीजें ऐसा मतलब कि रशिया, आप जानते हो कि सारे इकोनॉमिकल पावर वाले हैं। समझे दोस्त? उसके बाद आपके साथ यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव क्या थे, ध्यान सुनना। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जो मैंने आपको बताया कि यूएनओ का क्या है, यहाँ पे जो आपके सामने यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन का क्या है, ये फ्रांस जो है आपके सामने, फ्रांस एक आपके मेन पावर है, मतलब इनके पास जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, कौन कौन से परमानेंट मेंबर होते हैं भाई, ये आपको याद रखना है, कार में फेसबुक, ऐसे याद रखना। सीस हो गया चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटेन तो निकल गया, सिर्फ अब कौन बचा है, फ्रांस बचा हुआ है। और फ्रांस इसका पूरी पूरी यूरोपियन यूनियन का ताकत है, क्योंकि कुछ भी दिक्कत होती है तो यूरोपियन यूनियन को बचा लेता कौन, फ्रांस, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। समझे दोस्त? यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, जिसमें कि भारत भी है। यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव क्या है, आप जानते हो कि पूरा सेना जो है यूरोपियन यूनियन, यूरोप में देखो वैसे भी सेना बहुत तगड़ा है, अगर हम रशिया से लेकर बात करते हैं, अमेरिका तक, रशिया से ब्रिटेन तक की, फ्रांस तक की, जर्मनी की, तो बात ही आप सबको पता ही होगा। उसी तरीके से मेरे भाई कि यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, आप जानते हो दूसरी सबसे बड़ी सेना आफ्टर अमेरिका। इसका कुल सुरक्षा बजट अमेरिकी के बाद सबसे अधिक है, आप यहां पर देख सकते हो। जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन है, अगर हम बात करते हैं कि ये जो था 569 से बढ़ा के कितना कर दिया 536, ये आपके 2012 से 16 तक का डेटा है। आप समझ रहे हो कि ये जो था यहां पे सऊदी अरेबिया, यहां पे देखो यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, सबसे आगे करके देखा जाए तो यहां पे यूएसए से भी आगे करके यूरोपियन यूनियन ने कितना कर
दिया, 199 से 206 कर दिया था और यूएसए ने 539 से 546 कर दिया था। मतलब ऑलमोस्ट समझो जितना अमेरिका खर्च करता था अपनी सेना पे, उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन भी अपनी सेना पे खर्च करने लगी। इसलिए पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे पावरफुल मतलब मिलिट्री इनका बन के निकला था, समझे दोस्त। यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, जो क्योंकि इनके पास मतलब आंतरिक क्या था यूरोपियन यूनियन का, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप जानते हो कि वो आपके यूएनओ के परमानेंट मेंबर भी है। आंतरिक विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया का दसवां स्थान दूसरा स्थान है। मतलब इनके पास देखो ऐसे ऐसी कंट्री है जिनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी ऐसे वेपन्स भी है, परमाणु भी है, कि इसलिए यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है, समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने यूनाइटेड नेशन के पांच आपके जानते हो कि ये परमानेंट मेंबर होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि आप ये देख सकते हो कि यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या है, सीमाएं क्या है। एक पॉइंट लास्ट समझना, इसके सदस्य देशों की आपसी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे इजराइल पर हमले के मामले कभी कभी क्या होता है कि आपस में भी इनके मतलब असमंजस बैठ जाते हैं, मसला फैल जाता है, इसलिए क्या होता है इनकी कुछ कमजोरियां भी होती है। यूरो के कुछ हिस्से में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ये 19 तो कहते हैं ठीक है लेकिन 8 कहते हैं ठीक नहीं है, ये भी एक दिक्कत है। डेनमार्क और स्वीडन के मस्तिष्क संधि और साझेदारी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया। आप जानते हो डेनमार्क और स्वीडन ने मस्तिष्क संधि के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो यूरो था मुद्रा था इसको मानने के लिए खिलाफ किया, ये इनकी कमजोरी हो गई। दो कंट्री याद रखना कौन कौन सा था, डेनमार्क और स्वीडन। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठन में थे, जैसे नाटो के अंदर जा चुके थे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ये चैसलर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार में अलग रखा और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ को जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने के निर्णय किया गया और जिससे कि ब्रेग्जिट कहा गया और ब्रिटेन अब यूरोपियन का यह सदस्य नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी को ही 2020 को कंप्लीटली बाहर हो गया। और 2016 को क्या हुआ था, यहाँ पे 51.9% लोगों ने वोट दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने कहा भाई अब ब्रेग्जिट हो जाएगा बाहर, तो ये इतना मसला खत्म हो जाएगा। ये आपके सामने थोड़ा सा लंबा समय रखा क्योंकि अच्छा टॉपिक था और आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अब कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप सबको कॉमेंट चाहिए, और भाई आप लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और भाई अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। इस तरीके का आपके पूरे चैप्टर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मैं आपको 10 मिनट शो में सारा कंप्लीट कर दूंगा। यूट्यूब पे पहली बार अपन लेकर आए ये चीज, अब देखना धीरे धीरे हर जगह फैल जाएगा। मोस्ट वेलकम आप सभी का, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कोई दिक्कत पर कमेंट करना और प्लीज यार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।